ऋषि भाई दुखी है, बहुत ज्यादा हर्ट है। हर्ट क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने उनसे अच्छे से बात नहीं की, और जिस तरह से लक्ष्मी ने बात की ना ऋषि भाई टूट गए। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो लक्ष्मी के आसपास भी नहीं रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नहीं चाहती कि ऋषि भाई उसके आसपास भी रहे। वो उनसे बात तक नहीं करना चाहती, और उसने ऋषि भाई को साफ साफ कह दिया है कि अब वो उसके आसपास भी ना रहे, दूर रहे। इसलिए ऋषि भाई ने भी फैसला लिया है कि अब वो लक्ष्मी से दूर ही रहेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ भाभी, आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि ऋषि भाई परेशान तो आप भी परेशान। अनुष्का, या तो तुम बहुत भूली हो या एकदम बेवकूफ। यू बिटिया, ये तो अच्छी खबर है, मुसीबत की बात थोड़ी ना। क्या प्लान किया था हमने? प्लान यही था ना कि ऋषि लक्ष्मी से दूर रहे, और वही हो रहा है, तो ये तो अच्छी खबर हुई ना। और पता है ये सब किस वजह से हुआ है? हमारे बेड एक होने की वजह से। ये सब उसी का नतीजा है, बस उसी बात का गुस्सा उतार रही है लक्ष्मी ऋषि के ऊपर। गुस्सा उतार रही है मतलब? एक्चुअली हुआ ये कि लक्ष्मी हमारे रूम को क्रॉस कर रही थी, पर टाइमिंग इतनी अच्छी थी ना कि उसी टाइम ऋषि हमारे बेड्स को एक कर रहा था। तो बस लक्ष्मी को गुस्सा आया होगा, लेकिन उसने गुस्सा दिखाया नहीं, उसने गुस्सा अपने अंदर दबा के रखा। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, गुस्सा बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो जब लक्ष्मी से वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने वो गुस्सा ऋषि पर उतार दिया। लेकिन भाभी, मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी इस तरह पागलों की तरह ऋषि भाई पे गुस्सा उतारेगी। आई मीन, दूर रहने को ही बोल दिया, इतना ज्यादा गुस्सा? मुझे पता था यही होगा। अगर लक्ष्मी हमारे बेड्स को जुड़ते हुए देखेगी तो उससे ऐसा ही लगेगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब भी उन दोनों ने बातें की होंगी ना, ऋषि ने हमेशा यही बात की होगी कि वो उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। और ये बात तब प्रूव हो गई जब ऋषि बोरवेल में कूद गया लक्ष्मी के लिए, और उसे बचा भी लिया। याद है ना कैसे वो लोग हाँ कर रहे थे बोरवेल, एक फैमिली की तरह? तो उसी वक्त ऋषि ने लक्ष्मी को एक उम्मीद दिखाई। क्या उम्मीद? कि ऋषि लक्ष्मी को आज भी अपनी पत्नी मानता है। एंड आई एम श्योर उसी वक्त ना लक्ष्मी ने भी एक सपना देखा होगा कि वो मेरे ऋषि की जिंदगी में वापस आ सकती है एज हिज वाइफ। लेकिन जब लक्ष्मी ने हमारे बेड्स को एक होते हुए देखा ना, उसका वो सपना टूट गया, बिखर गया, भरोसा भी टूट गया। तो लक्ष्मी को गुस्सा आया, और उसने गुस्सा ऋषि के ऊपर ऐसे निकाला, क्योंकि वो कहते हैं ना अनुष्का, कि एक औरत अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकती, उसे अगर अपना पति चाहिए तो पूरा चाहिए, वरना नहीं। और ये बात सही भी है, एक पत्नी कुछ भी बांट सकती है, कुछ भी शेयर कर देगी, अपना सब कुछ दे देगी, लेकिन पति कभी नहीं, नेवर। बाय द वे, ये बहुत अच्छी खबर है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।